हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल एंगेजमेंट मेकअप लुक। सो अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है देन थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोनर के तौर पे यूज़ किया है मैक का प्रेप प्लस प्राइम। इसके बाद मैं यहाँ पे सीरम यूज़ कर रही हूँ एंड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ प्लम का। बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को हाइड्रेट करना मेकअप से पहले। अगर आप अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं करोगे मेकअप से पहले, तो आपका जो फाउंडेशन है वो पैची नज़र आता है। इसलिए अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए यूज़ किया है मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन। इस तरह से अब मैंने इसको अपने बैक ऑफ हैंड पे लेके अपने फेस पे डॉटेड डॉटेड करके स्प्रेड किया है। एंड इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ब्यूटी ब्लेंडर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पैक का। आपको हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। कभी भी ड्राई ब्लेंडर आपको यूज़ नहीं करना है। ड्राई ब्लेंडर आप पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर। सो मैं इसको अपने अंडर आइज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे एंड अपर लिप्स पे एंड चिन पे मैंने अप्लाई किया है, ब्लेंड कर दिया है। एंड आईलिड पे भी मैंने अप्लाई किया था उसको एंड ब्लेंड कर दिया है। सेम स्पॉन्ज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का। एंड इसके बाद मैं अपने अंडर आइज़ को सेट करूँगी। मैं इस तरह का एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एंड स्पेसिफिकली मैं इससे अपने अंडर आइज़ को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बिग पाउडर ब्रश लूँगी एंड इसकी हेल्प से अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। हल्के हाथों से आपको अपने फेस को सेट करना होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ पाउडर वाली। सो इसके लिए मैंने आई मैजिक का पैलेट लिया था, उसमें से मैंने ब्रॉन्जर शेड पिक किया है एंड अप्लाई किया है। ब्लशर मैंने यूज़ किया है शुगर के 3-in-1 पैलेट में से। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर मैंने सेम आई मैजिक के पैलेट में से पिक किया है एंड इसको मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, लाइक चिन पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड बो पे, चिन पे एंड चीक बोन्स पे, फरहेड वगैरह पे। तो मैंने अच्छे से अपने फेस को हाईलाइट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम करेंगे आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पहले पैलेट लिया है एंड इसमें से मैंने ट्रांजिशन शेड पिक किया है एक, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं अच्छे से इसको अपनी आईज़ पे अप्लाई करूँगी, आउट ऑफ वी पे अप्लाई करूँगी, ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ये थोड़ा डार्क रेडिश ब्राउन शेड लेके एग्जैक्ट अपनी क्रीज पे मैं इसको ब्लेंड बिल्ड करूँगी, फिर मैं ब्लेंड करूँगी। बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं इसको सेम आउट ऑफ वी पे भी लेके जाऊंगी अपने ट्रांजिशन शेड की तरह। सो अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड करना है आपको एंड इस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया है अपने आईज़ पे। नेक्स्ट मैं ये गोल्डन शिमर शेड पिक कर रही हूँ सेम फॉरएवर 52 के पैलेट में से, जिससे कि मैंने वो रेडिश ब्राउन शेड पिक किया था। सो मैं इसको इस तरह से फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूँ अपनी आईज़ पे। आप देख सकते हो फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छा पिगमेंट इनका निकल के आता है। एंड थोड़ा थोड़ा मैंने हाईलाइटर जो मैंने लगाया था ना फेस पे आई मेजिक के पैलेट में से, वो भी अप्लाई किया है इस गोल्डन शेड के ऊपर। एंड फिर मैंने जो हार्श लाइन एजेस थे इस शिमरी आई शेडो के, उनको ब्लेंड आउट किया है। एंड मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का लूज़ शिमर यूज़ कर रही हूँ, लूज़ ग्लिटर पार्टिकल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे गोल्डन कलर के। सो मैंने पहले मिस क्लेयर का 2-way जेल लगा के इनको अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, इंस्टा लाइनर। सो मैंने इससे अच्छा सा नॉर्मल आईलाइनर ड्रॉ किया है, कोई विंग मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है। एंड अंडर आइज़ पे सेम अपने ट्रांजिशन शेड को ब्लेंड कर दिया है, स्मज आउट कर दिया है। नेक्स्ट मैं मस्कारा यूज़ किया है मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा। अच्छे से लोअर लैशेज को कोट करूँगी, अपर लैशेज को भी कोट करूँगी मैं इसकी हेल्प से। लोअर लैशेज को भी मैं काफ़ी अच्छे से कोट कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो किट नहीं है, आईब्रो किट है ये। सो आईब्रो किट लेके मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी इसी के साथ जो ब्रश मिलता है एंड स्पूली मिलती है उसकी हेल्प से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये शुगर की लिपस्टिक यूज़ की है। सो
दिस इज़ इट गाइज। एंड इसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह वेयर करी थी एंड दिस इज़ इट। और ये है मेरा फाइनल लुक। सो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगेन मैं भूलूँगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून गाइज़।